इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सूर्य भगवान आए, एक माह तक स्तंभित खड़े हो गए हो। मास दिवस कर दिवस भाय हमर मन जाने को, रथ समेत रवि इहन सा कवन विधि हो। सूर्य भगवान भुलाई गए, आप भुलाएंगे। जो जाना चाहेगा वो जा नहीं पाएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो खिंचता चला आएगा। ये पुरी का अनुग्रह है, पुरी का आकर्षण है। क्या है श्री अवध में? संत भगवान का भजन है। भजन का प्रभाव अपने को नहीं दिखता है, दूसरे को दिखता है। आ गया, जा नहीं पाएगा। घर में भी रहेगा, खींचता चला आएगा। देखा, अवसर पाकर बाबा ने एक मधुर बात कही, और विवेक कहूं निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़ मती तोरी। देखिए, यह व्यवहार शास्त्र है कि समय समय पर अपने साथी की, सहयोगी की प्रशंसा करते रहना चाहिए। बाबा भूत भावन माँ भगवती की प्रशंसा करते हैं, आप परम विदुषी हैं। अस्तु, आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। का हो? कई बातें व्यवहार की होती हैं, सबसे कहने लायक नहीं होती हैं। बाद में जब कहना पड़ता है तो बहुत सारी शब्दावली एकत्र करनी पड़ती है। बाबा ने कहा, आप परम विदुषी हैं, अस्तु आपको एक कथा सुनाऊं। कथा कैसी है? अतः चोरी की है। का बाबा? तो काग भुसुंडी जी जब नीलगिरी से कैलाश आए तो मैं भी उनके साथ श्री अयोध्या धाम गया। माँ का तुरंत प्रश्न आता, अकेले चल गईला, हम के नाले गईला? तभी बाबा ने कहा, सुन गिर जा अति दृढ़मती। इस कथा में एक अंतर कथा है जो बाबा नहीं सुनाते हैं। अंतर कथा क्या है? बाबा कहना चाहते हैं कि मैं आपको इसलिए नहीं ले गया कि पिछले जन्म में ले गया था तो भगवान दंडकारण्य में विचरण करते हुए माँ का अन्वेषण कर रहे थे, लीला चल रही थी, और इस बार तो भगवान पालने में लेटे लेटे रोएंगे, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ कहेंगे। तो पिछली बार आपको भ्रम हुआ तो 87,000 वर्ष अलग रहे, इस बार हो न जाने क्या हो जाए, इसलिए संकोच बस आपको नहीं ले गया। और बाबा को संकोच बाद में जब माई की पिछली कथा सुनाए तो माइये का संकोच हो गया, अच्छा किए बाबा नहीं ले गए। हाँ, नहीं तो यही तो बात है, हमको हमारी समझ हो जाए तो हम धन्य हों। मनुष्य हमारी गलती नहीं ढूंढता है, उनकी ढूंढता रहता है। आदमी की एक सहज समस्या है, हमारे में भी कोई कमी है ये तो लिखवा लीजिए, कोई मानने को तैयार नहीं। उनकी कमी तुरंत लिख पढ़ के बता देगा। बाबा ने प्रशंसा किया और कहा, देवी भुसुंडी जी के साथ मनुज रूप में हम लोग विचरण कर रहे थे, वहाँ देखे, अरे जो आया बधाई गाया, जिसने जो मांगा वही पाया, ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा तीन भूप जो जे मन। महाराज ने जिसको जो मन में भाया वो दिया। अब यहाँ वर्तमान में भक्त हैं हम आप, इसका ध्यान रखिए। श्री अवध में आ गए,
जो मांगेंगे वही मिलेगा। अनुष्ठान में बैठे हैं हम, आप जो मांगेंगे मिलेगा। यही भाव है। दीन है चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, जिसका जो मन हो वो मांग लो। हो तीर्थराज प्रयाग भी श्री अयोध्या जी में मांगने आते हैं। राजा साहब, ये पूरी की महिमा है। मेरे सरकार प्रयागराज को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, भरद्वाज जी महाराज के साथ सत्संग करते हुए रात्रि विश्राम करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु पूरी सरकार की अपनी है। वहां कहा है प्रभु ने अयोध्या कांड में, को कहि सकै प्रयाग प्रभाउ कलुष पुंज कुंजर मृगराउ। सिंह है, पाप रूपी हाथियों के समुच्चय के लिए प्रयागराज सिंह हैं, और श्री अयोध्या जी बंदम अवध पुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलोशन। कलकाल में जितने कलवस जीव के साथ लगे उत्पन्न हो सब का नाश सरजू मैया कर देती है। बंदों, ये महिमा है प्रभु। महाराज ने किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को घोड़ा दिया, किसी को स्वर्ण दिया, किसी को गौ माताएं दी, किसी ने रत्न मांगा रत्न दे दिया, अनेक वस्त्र दिया, भूमि दी सबको। अर्थात ये पूरी की महिमा है, जो मांगिएगा वही मिल जाएगा। मोहि समान अनुभयउ न दूजे, करके देखिए। दिन बीते कुछ, दो चार दस दिन बीते, नामकरण का अवसर आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलाया। दिन रात का पता नहीं चलता है। हो कै तारीख है आज? 16 हो गई। 12 को शुरू भए थे, 13 को, 13 14 15 16, 4 दिन हो गया पते नहीं चला। तो अवसर आया, गुरुदेव भगवान का पूजन भया। चक्रवर्ती जी महाराज सपरिवार हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु इन बच्चों के जो नाम आपने विचार रखे हैं सो सुनाइए। धरिय नाम मुनि जो गुण राखा, जो आपने गुना मने विचार कर रखा है गुरुदेव भगवान वो सुनाइए। धरिय नाम कहिए नाम, आपने जो पहले, अरे भाई पहले क्यों विचार, हाँ सदगुरु का ही कार्य है नामकरण, सदगुरु का यह कर्तव्य है, व्यवहार है, गुरु जी को ही नामकरण करना। अरे तो बड़ी अटपटी स्थिति वर्तमान में भैया, जब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव गुरु और भगवान का मानता है, और प्राप्त हो जाते ही जीव अपना मान लेता है। संतान न हो रही हो तो जय गुरु महाराज, हो गई तो अपना नाम खुद ही रख लेते हैं, अबलू बबलू टबलू कबलू वंटू बंटू पंटू। गुरु महाराज को नामकरण रखने की आवश्यकता ही, नामकरण करने वाले निरेज पैदा हो जाते हैं। देखिए यह शिक्षण है, यह समझना है, नामकरण कौन करे, अतो परिवार का श्रेष्ठ करे। चारों पुत्र किसकी कृपा से मिले, धर हो धीर होई हैं सुतचारी,
त्रिभुवन विदित भगत भय। इसलिए धरिय नाम जो मुनि गोनी आप ही रखिए प्रभु, हम क्या रखें। अच्छा, गुरुदेव भगवान ने कहा राजन इनके अनेक नाम हैं, मैं अपनी मति अनुसार एक एक सबके सुना देता हूं। इन चौपाइयों का दर्शन करिए, गान करिए, समझिए और हृदयस्थ करिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सुख राम असनामा अखिल भरण पोषण कर जोए ताकर नाम भरत सोए, विश्व भरण पोषण कर जोए ताकर नाम भरत सोए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधा, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम होता। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, जो रामस्वरूप हैं, जिनके स्मरण मात्र से बहिरंग और अंतस्थ शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुघ्न सब लक्षणों के धाम हैं, राम जी के सदा सर्वदा प्रिय हैं, स्वभाव उदार है इनका, नाम लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुत, चारों भयन की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।